अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित छात्रवृत्ति योजना का पैसा करने वाले संस्थान प्रभावित विद्यार्थियों को अपने निजी खाते से भरपाई करें। अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस एवं जिला परिषद सदस्य चमन राही ने राज्य सरकार से मांग की है कि ऐसे छात्रों की निधि खातों से बिना लंबित किए गए पैसे उन प्रभावित विद्यार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए जाएं जिनकी छात्रवृत्ति पर इन संस्थानों ने कुंडली मारी है। उन्होंने चिंता जताई है कि सीबीआई जांच के लंबा चलने की आशंका से इन विद्यार्थियों व उनके परिजनों को राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जारी एक बयान में कहा कि स्कॉलरशिप के भुगतान को लेकर हो रही कोताही व गड़बड़ी के मामले को वह उठा रहे हैं। राही ने कहा कि अब जाकर जयराम सरकार ने भले ही इस मामले को उजागर करने का फैसला लिया है, लेकिन सरकार के सीबीआई से जांच के फैसले के बावजूद विद्यार्थियों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। उनके लिए ऐसी व्यवस्था भारत सरकार ने है पिछली यूपीए सरकार के समय से कि उनको पढ़ाई के लिए एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी, और जब उनके एडमिशन हुए थे तो संबंधित जो संस्थान थे उनके जो उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उन्होंने उनके ऑनलाइन फॉर्म भी भराए थे बच्चों के, इसलिए क्योंकि उनको 6 महीने के बाद और 1 साल के बाद उनको स्कॉलरशिप आएगा और अच्छे ढंग से वो पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा पिछले 3 सालों से भारत सरकार और प्रदेश सरकार की अपनी मिलीभगति के कारण जो उनकी दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी जो मानसिकता है उसके तहत उन्होंने वो स्कॉलरशिप उन बच्चों तक के खातों में नहीं आया। हिमाचल प्रदेश में लगभग 37,000 और 40,000 के लगभग एक तमाम बच्चे हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट में तो उनके सर्टिफिकेट डिप्लोमा करने के बाद भी रोक दिए गए हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की, तो हम चाहते हैं उन संस्थानों के व्यक्तिगत खाते से उन बच्चों के खाते में पैसा आए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, और हम चाहते हैं अगर इसमें कोताही बरती तो हम हर मोर्चे के ऊपर हर बैनर के नीचे संघर्ष करेंगे और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए उन पीड़ित जो बच्चे हैं जिनको ये न्याय नहीं मिल रहा है, वो भटक रहे हैं अपने पैसों के लिए, तो उनके हक में हम हक और हकूक की लड़ाई लड़ेंगे।